الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں حج کا مبارک سفر تھا اور اس کے حج کے سفر میں جو چیز سامنے آئی کہ وہاں جب حجاج اللہ کی خاص فوج بن کے ایک خاص وردی میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو انہیں اس وردی کا بڑا لحاظ ہوتا ہے, انہیں اس احرام کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. جب سے وہ احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں اور جب تک وہ احرام اترتا نہیں, انہیں اس احرام کی بڑی فکر, بڑا لحاظ, اور اس کی جو شرائط اور اس کے جو حقوق ہیں اس کا بڑا احساس اور خیال رہتا ہے. ہم عرفات میں تھے تو حجاج سے عرض کیا کہ ابھی کل ہی آپ کا احرام اتر جائے گا, قربانی کے بعد احرام اتر جاتا ہے. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس احرام کا آپ نے بڑا خیال رکھا اور آپ کو اس کی شرائط کی بڑی فکر رہی, بلکہ بس اوقات حجاج احتیاطاً یہ بھی کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, چلو صدقہ دے دیتے ہیں, دم دے دیتے ہیں. یاد نہیں بھی ہے پھر بھی احتیاطاً وہ ایسا کر لیتے ہیں. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس احرام کا ماحول عطا فرما رکھا ہے کہ یہاں ہر شخص احرام پہنا ہوا ہے اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ رہا ہے, تو ہر ایک کے لیے احرام کا لحاظ کرنا آسان, پابندیوں پہ عمل کرنا آسان. ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں کو اسلام کے احرام کا ماحول نصیب تھا, جب مسلمانوں کو اسلام کے احرام کا ماحول نصیب تھا. اس لیے کہ اسلام کا بھی ایک احرام ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اس احرام کا تلبیہ ہے اور یہ احرام اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ روح نہیں نکلتی اور پھر اسے غسل دیا جاتا ہے اور دوسرے کپڑے پہنے جاتے ہیں. یہ جو اسلام کا احرام ہے,
एक दौर था मुसलमानों में इसका बड़ा माहौल था। जब इस्लाम के एहराम का माहौल था तो मुसलमान के लिए इस्लाम पे अमल करना आसान था। हम देखते हैं हज के एहराम का माहौल होता है, लोग हज के उस एहराम की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों की अदायगी के लिए बस औकात 20-20 किलोमीटर का फासला तय करते हैं पैदल, चाहे वो हज करने वाला 8 लाख का हो, चाहे वो हज करने वाला 50 लाख का हो, इतना सफर तो उसे चंद दिनों में करना ही पड़ता है। ये उस हज के अंदर ये मुजाहिदा जरूरी है और करना ही पड़ता है। लेकिन चूंकि एहराम का माहौल होता है तो हर आदमी उसकी सुन्नतों पर भी खुशी खुशी अमल कर रहा होता है, माहौल होता है, हर आदमी एहराम का लिहाज रख रहा होता है। तो एक दौर ऐसा ही था जब मुसलमानों में इस्लाम के एहराम का भी ऐसा ही माहौल था, तो मुसलमानों के लिए अपनी नबी की सुन्नतों पर खड़ा होना आसान और उसका एहतमाम आसान। लेकिन जब इस्लाम का एहराम का माहौल ना रहा, फराइज भी छूटने लगते, फराइज भी छूटने लगते हैं, अल्लाह के अहकामात जो इस्लाम की बुनियाद हैं मुसलमान उन्हें छोड़ते हुए भी नहीं शर्माता, माहौल जो नहीं, माहौल नहीं है, वहां माहौल है सुन्नतों का एहतमाम। मीना में हाजी ठहरता है, हाजी ठहरता है, और मुझे हज के जिम्मेदार साथियों ने कहा कि बस औकात एक एक हाजी के लिए इतना बिस्तर होता है कि करवट लेना मुश्किल, और उसकी उसे कीमत देनी होती है तकरीबन 13,000 रियाल, 13,000 रियाल, 600, 13,600 रियाल, और वहां ठहरना फर्ज नहीं है और वहां तक पहुंचना और 3 दिन तक वहां पहुंचना रमी के साथ कम से कम रोजाना 15 से 20 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है। लेकिन ये हाजी सब कुछ कर रहा होता है और बखुशी कर रहा होता है, और कोई इसके लिए रुकावट करे तो उससे नाराज होता है। उस हज के उस एहराम की इन सुन्नतों की इतनी अजमत और अहमियत इसके दिल में होती है, ये सब क्यों कर रहा होता, माहौल जो है हज के उस एहराम का माहौल है, तो हज के उस एहराम की पाबंदियों पे अमल करना आसान। आज मुसलमान ने अपने माशरे में, अपने घरों में, अपनी तालीमी इदारों में, अपने बाजारों में, अपने दफ्तरों में, अपने फैक्ट्रियों में इस्लाम के एहराम को पामाल कर रखा है। इस्लाम को आज वो इज्जत और माहौल नहीं दिया तो आज एक मुसलमान के लिए फराइज पे अमल करना भी मुश्किल है। इस्लाम नहीं मुश्किल, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं मुश्किल, फितरती है दीन, लेकिन ऐसे माहौल में ये जिंदगी गुजारने लगा जहां बुराई आसान है अच्छाई मुश्किल है, जहां हराम आसान है हलाल मुश्किल है, जहां अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना आसान
अल्लाह के हुक्मों पे खड़ा होना मुश्किल है। तो वहां माहौल है, और दूसरा मैंने उनसे अर्ज किया कि आपने इस हज के एहराम के लिए घर छोड़ा है, वतन छोड़ा है, राहत और आराम छोड़ी है, वसाइल लगाए हैं, पैसा लगाया है, तो आपके दिल में इस एहराम की अहमियत है। हज के इस एहराम की अहमियत है। अगर कोई आदमी आपको इस हज के एहराम के मुनाफी चीजों में मुबतला कर दे, आप गजबनाक हो जाते हैं, मेरा हज खराब कर दिया, तुमने तो मेरा हज खराब कर दिया। इस्लाम इस हज के एहराम के लिए आपने कुर्बानी दी है, घर छोड़ा है, मुशक्कत बर्दाश्त की है, तकलीफ उठाई है, राहत और आराम कुर्बान की है, आसाइश आराइश कुर्बान की है, वसाइल लगाए हैं। हाँ मेरे अजीजों, एक अरसा हुआ मुसलमानों से कसूर हुआ है, इसने इस्लाम की हिफाजत और इशात के लिए कुछ करना छोड़ दिया है। इसने इस्लाम की हिफाजत और इशात के लिए कुछ करना छोड़ दिया है, औलाद पे लगाता है अपनी समझता है, घर पे लगाता है अपना समझता है, फैक्ट्री पे लगाता है अपना समझता है, कारोबार पे लगाता है अपना समझता है, दुकान पे लगाता है अपना समझता है ना, फिर उसमें कमी आ जाए तकलीफ होती है, कमी आ जाए तकलीफ होती है। इस्लाम को मुसलमान ने अपना समझा है, इसे भी कभी तवज्जो दी है, इसे भी कभी सलाहियतें दी हैं, इसे भी कभी वक्त दिया है, इस पर भी कभी वसाइल लगाए हैं। जब कुछ भी नहीं लगा तो इस्लाम की इमारत गिरे इसे क्या परवाह, उसकी बुनियादें हिले इसे क्या परवाह, उसका मजाक उड़ाया जाए इसे क्या तकलीफ। हालांकि वो हज का एहराम छोटा एहराम है, इसलिए कि वो इस्लाम के एहराम के सदके मिला है, इस्लाम का एहराम ना होता तो हज का एहराम ना होता, लेकिन उस एहराम का इतना लिहाज है, माहौल है, वहां कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी उसके लिए तहज्जुद पढ़ना आसान, उसके लिए तिलावत करना आसान, उसके लिए जात के आखिरी हिस्से में दुआएं मांगना आसान, उसके लिए मैदानों में और वीरानों में चटाइयों पर लेटना आसान, माहौल है, और उसके लिए मुशक्कत उठाई है, उसके लिए वसाइल लगाए हैं, अहमियत है। लेकिन जिस इस्लाम का इसने तलबिया पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे इस एहराम का कितना पास है, इस एहराम का कितना लिहाज है, माहौल नहीं, इसने अपने घर का माहौल नहीं बनाया, इसने अपने बच्चों को तालीमी माहौल नहीं दिया ऐसा, इस ताजिर और सनकार ने अपने बाजार का माहौल की फिक्र नहीं की, अब इसके लिए हलाल का माना मुश्किल है, हलाल आमदनी मुश्किल है,
हलाल रास्ते से कारोबार करना मुश्किल। मुसलमानों ने अपना माहौल खुद खत्म किया, इसलिए कि जिस चीज को इन्होंने तवज्जो दी, जिस चीज के लिए इन्होंने वसाइल लगाए, जिसको इन्होंने अपना समझा, वहां इसने तरक्की की है। कच्चे घरों में रहते थे, कोठियों में आए, घर अपना समझा ना, उसे तवज्जो दी, सलाहियतें लगाई है, स्टेटस अच्छा हो गया। छोटी सी दुकानें हुआ करती थी, कारोबार और फैक्ट्रियां और कारखाने हुई, तवज्जो दी ना, अपना समझा ना, तरक्की हो गई। मैंने इस्लाम को कितना अपना समझा, यही अपना समझा कि जो पहले मां बाप ने मेरी तरबियत की थी, आज मेरी औलाद उससे भी मारूम है। मेरे मां बाप का असर आज भी मुझ पर है, चले गए वो, लेकिन आया मेरी औलाद पर मेरा भी असर है तरबियत का। उन्हें लिहाज था, उन बड़ों ने इसे बच्चों को इस्लाम का माहौल दिया, आज ये बूढ़ा हो गया है, अपने अबाव अजदाद के असरात का निशान है, नमूना है, लेकिन मेरी औलाद पे आज कितना असर है, मेरे घर में इस्लाम का कितना रंग है। सच्चाई हो, दयानत हो, हया हो, लुकमय हलाल हो, और सबसे बढ़कर ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीजा नमाज। नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुनाफिक फजर नहीं पढ़ता, मुनाफिक में रात की नमाज भारी है। कुरान बता रहा काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुशरिक ज़कात नहीं देता, मुसलमान तो नमाजी भी होता है, ज़कात भी देता है। फरमाया निफाक है जहां आँख शिकनी हो, जहां झूठ हो, जहां खयानत हो, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इन बुराइयों से मुसलमानों का कोई जोड़ नहीं। तो इस्लाम, इसका एहराम जब इसे माहौल मिल जाए तो इस्लाम के एहराम की पाबंदियां आसान। तो फितरती दीन है इस्लाम, इस्लाम फितरती जिंदगी का नाम है, लेकिन आज उसे माहौल मुयस्सर नहीं, आज उसे माहौल मुयस्सर नहीं। तो फराइज छोड़ना आसान, खुले गुनाह करना आसान, बेशर्मी के मजाहिर आसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हया और ईमान दोनों जोड़वे हैं, जहां से ईमान जाता है वहीं से आया जाता है, जहां से आया जाता है वहां से ईमान चला जाता है। ऐसा तो होता ही नहीं कि ईमान और हया ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं कि ईमान ना हो और हया हो, या हया ना हो और ईमान हो, ऐसा नहीं होता, दोनों साथ साथ हैं। तो हज के मौसम में मेरे अजीजों ये नजर आया कि एक मुसलमान कमजोर ईमान वाला है, लेकिन उसे माहौल मिल गया, उसे माहौल मिल गया, तो वो हज के एहराम की पाबंदियों का ख्याल रख रहा है, और अच्छा खासा दीनदार, उसे इस्लाम के एहराम का माहौल ना मिले, वो बाजार में लगता ही नहीं ये मुसलमान है, ये नमाजी है, मस्जिद में कुछ और है, दफ्तर और बाजार में कुछ और है, मस्जिद में कुछ और है और खुशियों और तकरीबात में कुछ और है, माहौल नहीं, इसके लिए अमल करना मुश्किल है। और माहौल बनता है मेरे अजीजो जब आदमी जहां औलाद को अपना समझता है, घर को अपना समझता है, दफ्तर और फैक्ट्री को अपना समझता है, कारखाने और कारोबार को अपना समझता है,
अपने नबी के दीन को भी मुसलमानों अपना समझो, अपना समझो। और कभी ना घबराना कि इस्लाम पे चलेंगे तो इस्लाम हमें मुश्किलात में डाल देगा। याद रखिएगा, अपने नबी पर एतमाद कीजिए और अपने नबी के दीन पर एतमाद कीजिए। ये मुश्किलात में डालने के लिए नहीं आया, मुश्किलात से निकालने के लिए आया। ये रुसवा करने के लिए नहीं आया, ये इज्जत देने के लिए आया। ये नाकामियों के लिए नहीं आया, ये कामयाबियों के लिए आया है। आज जिस इंफिरादी और इज्तिमाई मसाइल का मुसलमान शिकार है, सच अर्ज कर रहा हूं, वो इस नेमत कुबरा, इस अजीम नेमत उज़्मा, इसकी नकदरी का नतीजा है, इस नेमत की नकदरी का नतीजा है। इस्लाम मुश्किलात से निकालने के लिए आया है, इस्लाम परेशानियों से निजात देने के लिए आया है, इस्लाम इज्जत देने के लिए आया है। तो एतमाद कीजिए अपने नबी पर, एतमाद कीजिए अपने नबी के दीन पर। इनफिरादी मसाइल का शिकार है, घरेलू खानदानी मसाइल का शिकार है, अजवाजी मसाइल है, औलाद और बाप का मसला है, कारोबारी मसाइल है, हल है इस्लाम में। इसकी तरफ रुजू करने की जरूरत है। इस्लाम के एहराम का ख्याल रखिए, फिर देखिए इस्लाम आपको कैसे इज्जत देता है, और फिर अल्लाह करीम आपका कैसा ख्याल रखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नेमत उज़्मा, अल्लाह हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए और कामिल तौर पर इसकी पैरवी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।